मेवात जिले के उपमंडल फिरोजपुर झिरका के गांव घाटा शमशाबाद में बन रहे बूचड़ खाने का ग्रामीणों ने जमकर विरोध किया। यहां तक कि ग्रामीणों ने बूचड़ खाना ने कहकर उसे कातिल खाना का नाम दिया है। वही ग्रामीणों ने बताया कि इस बूचड़ खाने से ग्रामीणों को काफ़ी दिक्कतें, वो राहगीरों की काफ़ी परेशानी होंगी। घाटा शमशाबाद के ग्रामीणों ने इस बूचड़ खाने का जमकर विरोध प्रदर्शन किया, वही सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। हम आपको बता दें कि मेवात जिले के घाटा शमशाबाद गांव में लगभग 45 एकड़ में बन रहे बूचड़ खाने में क्या नाम है जी आपका? को मेरा नाम फारूक खान है का मास रखा जाएगा, जिससे ग्रामीण सख्त नाराज। अच्छा फारूक जी, आज आप इस बूचड़ खाना जैसे यहां क्या बन रहा है? हमने इसकी शिकायत कई जगह दी है लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं करी। वही ग्रामीणों ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर इस बूचड़ खाने का निर्माण सिर्फ नहीं रोका गया तो वो सड़क करने हो जाएंगे। स्वच्छ भारत अभियान, जहाँ स्वच्छ भारत अभियान की जगह पे ये गांव घाटा शमशाबाद के बीचों बीच गाँव में एक बूचड़ खाना ना कह के कतल खाना बनाया जा रहा है, जिससे हमारे गाँव की दुर्गति बहुत ज़्यादा हो जाएगी। गांव के अंदर जो जल प्रदूषण है वो होगा, वायु प्रदूषण है वो होगा, और इतनी बीमारी हो जाएंगी कि हम तो सरकार से ये अपील करते हैं कि या तो ये बूचड़ खाना बनाने चाहते हैं तो ये बूचड़ खाना बनाए, या इस गांव को यहां से हटा दिया जाए। अगर अच्छा आगे इसकी शिकायत अभी आपने की है, पहले जैसे इसकी शुरुआत हुई थी तब आपने शिकायत की, क्या एक्शन उस पर लिया गया? अभी उस पर कोई एक्शन नहीं लिया, हमने जीव जंतु का जो है कल्याण बोर्ड का है जो, उसके पास हमने नरेश कादियान जी उसको हमने लिख के भी भेजा है, और उसने हमें बताया कि हमने उसको CM PM तक उसको भेज दिया, और एक अधिसूचना हमने मांगी है इसके बारे में, जो कि अधिसूचना विभाग में हमने उसको भेज दी है। जिस तरह से भाई ये बूचड़ खाना गांव के बीचों बीच बनाया जा रहा है, इसकी क्या दूरी होती है और किस तरह से सरकार ने इसका परमिशन अच्छा, दिया? अब आप सरकार से क्या मांग चाहते हो? हम सरकार से ये मांग चाहते हैं कि ये बूचड़ खाना बंद किया जाए और हमारे गांव को जो है ये सारी समस्याओं से, बीमारियों से निपटारा किया जाए।